हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज हमको इनवाइट किया गया है पेन एंड पैन के अंदर इन इन्फ्लुएंसर मीट। सो चलिए आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्या है। और यहाँ का जो फूड है, यहाँ बोला जाता है कि ये ग्लोबल क्यूजीन है, तो ग्लोबल क्यूजीन की कुछ डिशेज आज हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं पाएंगे बट काफ़ी अच्छा लगेगा। सो भाई, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक एक मॉकटेल है, वाटरमेलन रेस्पबेरी लेमन है ना। तो इसके अंदर बेसिकली आपको ऊपर से लिख जाएगा कि एक तो ये मिंट लीफ है, एक लेमन का स्लाइस भी दिया है इसके अंदर, और इसके अंदर वाटरमेलन के जो फ्रूट्स हैं वो भी दिए हुए हैं। और एक अभी टेस्ट करते हैं, एक्चुअली टेस्ट करता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाइक जैसे आप कॉकटेल पीते हैं लाइट लाइक जैसे कॉकटेल सेम टू वैसे टेस्ट है, टकीला जैसा टेस्ट आ रहा थोड़ा सा। एंड इसके अंदर सोडा भी है और रेस्पबेरी का सिरप भी ऐड किया हुआ है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर है, काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी स्पेशल है। तो गाइस, अभी हमारे सामने है कैप्रिस क्लब सैंडविच है ना। तो इसके अंदर बेसिकली मैं आपको इंग्रीडियंट बता देता हूँ। इसके अंदर ऑलिव अपना बेसिल और मिंट का चटनी रहेगा, लाइक डिप बोल सकते हो, वो स्प्रेड करा गया है इसके अंदर। एंड इसके अंदर रोस्टेड टोमेटोज हैं एंड ऑलिव स्प्रेड भी इसके अंदर डाला हुआ है। एंड अभी टेस्ट करते हैं, ये जो डिप है डिप भी सेम ही है, लाइक इसमें भी मिंट एंड बेसिल से बनाई है। एंड इसका जो ब्रेड है वो भी प्रॉपर टोस्ट हुआ है, काफ़ी क्रंची है, ओवरऑल टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसका, आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए आपको। तो गाइस, इसका फ्रेंच फ्राइज भी आता है साथ में एडेड है। एंड अब ये फ्रेंच फ्राइज भी टेस्ट करते हैं, फ्रेंच फ्राइज का टेस्ट भी अच्छा है। एंड अभी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया बिकॉज काफ़ी देर से रखा हुआ है, बाकी टेस्ट अच्छा है। डन। हम जो नेक्स्ट डिश यहाँ पर ट्राई करने जा रहे हैं वो है स्पैगेटी एग्लियो ओलियो। इट इज़ अन इटालियन डिश, ट्रेडिशनल इटालियन डिश इसको बोला जा सकता है, और इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, काफ़ी सारी स्पाइसेस हैं, और जो कि एक माइल्ड क्वांटिटी में है, और बहुत ज़्यादा इस डिश में सॉसेस नहीं है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका ओवरऑल जो फ्लेवर है और टेस्ट है वो कैसा लगा। तो जो ये स्पैगेटी रहती है, ये एक पास्ता का फॉर्म रहता है। अगर आप इसको बोलेंगे कि नूडल्स है तो मैं नहीं बोलूँगा कि ये नूडल्स है, इट इज़ अ टाइप ऑफ पास्ता विच इज़ इन लॉन्ग फॉर्म, तो आपको ये उतना सॉफ्ट भी नहीं लगेगा, इसमें नूडल्स करना है। अगर आप अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे कि ये नूडल्स है तो आप डिसअपॉइंट रहेंगे। यहाँ पर इट इज़ टाइप ऑफ पास्ता, और यहाँ पर आपको ब्लैक पेपर देखने को मिल जाएगा, राइट चिली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, इसमें लिटिल बिट स्टफिंग ऑफ मशरूम इज़ ऑल्सो देयर, एंड यहाँ पर लीव्स भी हैं, बेसिल लीव्स भी हैं। तो ओवरऑल एक डिसेंट कॉम्बिनेशन है, एक ट्रेडिशनल इटालियन। अगर आप स्पैगेटी खाना चाहते हैं तो यहाँ पर आके आप डायरेक्टली ये वाले स्पैगेटी ऑर्डर कर सकते हैं। एग्लियो ओलियो करके स्पैगेटी का नाम रहता है, बहुत ही अच्छी लगी, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्पाइसेस नहीं है, और बहुत अच्छा रहा। ये डिश टेस्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पाइसी पनीर बाइट, तो हम इसको टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं इसका रिव्यू कैसा है, कैसी हमको लगी। ये टेस्ट में ऑन एन एवरेज है, इसमें जो पनीर है उसके ऊपर एक स्टफिंग है और उसको फ्राई किया गया है, हम बोल सकते हैं इसको हमने जो है स्पाइसी सॉस के साथ इसको फ्राई किया गया है। तो ये मुझे डिश जो है ठीक ठाक लगी, इससे पनीर का वी कैन से इट इज़ अ टाइप ऑफ
और वी कहते हैं फ्राइड फ्राइड पनीर और फ्राइड पकौड़ा टाइप का डिश, और जो उसका जो फ्लेवर आ रहा है वो हल्का हल्का सा स्वीट फ्लेवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो ये कहीं पकौड़े और पनीर के बीच में कहीं बीच में रह गया है कुछ, तो कम्प्लीटनेस मुझे यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर कुछ कम्प्लीटनेस मुझे समझ में नहीं आई। ओवरऑल हो सकता है कि आप आकर इसको गुड ट्राई कीजिए, आपका टेस्ट कैसा है, आपका रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उस हिसाब से आप इसको खा सकते हैं। लेस स्पाइसी और हल्का सा स्वीट टेक्सचर यहाँ पर आ रहा है।